की दुनिया में अरिजीत सिंह का नाम फेमस है। वो आज के जेनरेशन के सबसे फेमस गायकों में से एक हैं। अरिजीत सिंह एक ऐसे सिंगर हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरिजीत सिंह की आवाज में वो कमाल की काबिलियत है जिसके जरिए वो अपनी आवाज में दर्द और सहजता को आसानी से ले आते हैं। हम बात कर रहे हैं सोलफुल वॉइस के इकलौते हकदार सिंगर अरिजीत सिंह की, और हम आपको बताने वाले हैं अरिजीत सिंह के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। अरिजीत सिंह का बचपन। अरिजीत का जन्म सन 1987 में जियागंज के मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता पंजाबी और उनकी माँ बंगाली हैं। उनके म्यूजिक की शुरुआती ट्रेनिंग घर में ही हुई थी। उनकी दादी गायन करती और उनकी आंटी क्लासिकल सिंगर थी। उन्होंने संगीत अपनी माँ से भी सीखा, जो कि गायन के साथ साथ तबला वादन भी करती हैं। उनके म्यूजिक के प्रति लगाव को देखते हुए उनके परिवार ने उन्हें प्रोफेशनली म्यूजिक की ट्रेनिंग देने का फैसला किया। प्रारंभिक शिक्षा। उन्होंने राजा विजय सिंह हाई स्कूल और श्रीपति सिंह कॉलेज से पढ़ाई की। अरिजीत का कहना है कि वो शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनकी म्यूजिक में ज्यादा दिलचस्पी थी। पंडित राजेंद्र प्रसाद हजारी जी से उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा ली। धर्मेंद्र प्रसाद हजारी जी से उन्होंने तबला बजाना सीखा। वीरेंद्र प्रसाद हजारी जी से उन्होंने रविंद्र संगीत और पॉप म्यूजिक सीखा। शुरुआती संघर्ष। अरिजीत ने म्यूजिक की ट्रेनिंग को पूरा कर लिया था, अब आगे उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां वो अपने टैलेंट को शो ऑफ कर सकें। अरिजीत सिंह को लकीली एक मौका मिला साल 2005 में। एक सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए वो अपना शहर छोड़कर मुंबई आ गए। इस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारे ऑडिशन देने पड़ते थे। ऑडिशंस इतनी कड़ी हुआ करती थी कि कई बार तो उन्हें ऑडिशन के दौरान नींद भी आ जाती थी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो इस शो के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कंटेस्टेंट बन गए। लेकिन अरिजीत ऑडियंस के इतने फेवरेट होने के बाद भी टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाए। सफलता की ओर कदम। आगे चलकर अरिजीत ने एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में पार्टिसिपेट किया, और इस बार वो इस रियलिटी शो के विनर बन गए। इस शो को जीतने के बाद उन्हें एक पॉपुलर म्यूजिक लेवल के लिए गाना गाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। लेकिन अरिजीत को म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब तक सब यही जानते हैं कि अरिजीत मुंबई आने के बाद ही प्लेबैक गाना गाने लग गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब अरिजीत ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब दिग्गज सिंगर्स के पास अच्छे काम की कमी थी। जल्द ही अरिजीत को एहसास हो गया कि अभी प्लेबैक सिंगिंग में उनका कोई चांस नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने म्यूजिक करियर में कुछ बदलाव किए और वो बतौर म्यूजिक प्रोड्यूसर काम करने लगे। और कई फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जैसे कि प्रीतम चक्रवर्ती, विशाल शेखर और मिथुन के साथ एक म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर काम करने लगे। देखा जाए तो म्यूजिक प्रोग्रामर बनना ये फैसला उनके लिए बिल्कुल सही था, क्योंकि वहाँ उन्हें म्यूजिक की बारीकियों को सीखने में बहुत हेल्प मिली। सफलता का टर्निंग पॉइंट। 2010 में अरिजीत सिंह ने प्रीतम चक्रवर्ती के साथ 3 फिल्मों गोलमाल 3, क्रुक और एक्शन रिप्ले में काम किया। 2011 में उन्होंने मर्डर 2 में मिथुन कॉम्पोजिशन, फिर मोहब्बत से बॉलीवुड म्यूजिक डेब्यू किया। उसी साल अरिजीत सिंह ने एजेंट विनोद के लिए राबता गाना गाया। इसके बाद अरिजीत सिंह ने शंघाई फिल्म में दुआ गाना गाया, जिसके लिए अरिजीत सिंह को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड फॉर अपकमिंग मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, और बर्फी फिल्म में फिर ले आया दिल के लिए नॉमिनेट हुए। अरिजीत सिंह को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि 2013 में आई आशिकी 2 के गाने तुम ही हो से मिली। इस गाने के लिए अरिजीत सिंह को कई अवार्ड और नॉमिनेशन आए, जिसमें से उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। इसके बाद अरिजीत सिंह ने ये जवानी है दीवानी फिल्म के लिए दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, कबीरा और इलाही गाना गाया। इसके बाद शाहिद कपूर की 2 फिल्मों खता पोस्टर निकला हीरो में मैं रंग शरबतों का और आर राजकुमार के लिए धोखाधड़ी गाना गाया। अरिजीत सिंह को पहली बार चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख के लिए गाना गाने का मौका मिला। इसके बाद अरिजीत सिंह को एक से बढ़कर एक फिल्मों में गाने के लिए ऑफर आते रहे, और उन्होंने अपनी मधुर आवाज से बॉलीवुड में अपनी साख बना ली। पर्सनल लाइफ। अरिजीत सिंह गायक होने के साथ साथ वो बैडमिंटन प्लेयर, राइटर, मूवी फ्रीक और डॉक्यूमेंट्री मेकर भी हैं। अरिजीत सिंह बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं और मीडिया के सामने कम ही आते हैं, और उन्हें फोटो खिंचवाना भी पसंद नहीं है। अरिजीत सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात करना पसंद नहीं करते हैं। 2013 में एक बार उनको एक पत्रकार अपूर्वा चौधरी ने उनसे उनके डिवोर्स केस की डिटेल पूछी, तो उन्होंने गुस्से में आकर उन पर हमला कर दिया,
जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें जमानत मिल गई। उन्होंने दो शादियां की हैं। अरिजीत ने एक म्यूजिक प्रोग्राम में उनकी को कंटेस्टेंट रही कोयल सिंह से 2013 में शादी की थी। शादी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और इसी साल दोनों का तलाक भी हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से बंगाली रीति रिवाज से 2014 में गुपचुप शादी की थी। दोनों की ये दूसरी शादी थी। कोयल को पहली शादी से एक बच्ची भी थी। सलमान खान के साथ कंट्रोवर्सी। बात 2016 की है। अरिजीत सिंह और सलमान खान के बीच झगड़े की खबरें मीडिया में खूब उछली थी। रिपोर्ट्स की माने तो एक अवार्ड फंक्शन में अरिजीत सिंह ने सलमान को कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। इसके बाद सलमान उनसे गुस्सा हो गए थे। इतना ही नहीं, सलमान की फिल्म सुल्तान के लिए अरिजीत ने एक गाना भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन सलमान ने वो गाना फिल्म से हटवा दिया था। अरिजीत ने अपनी गलती मानते हुए सलमान से सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार माफी मांगी, लेकिन सलमान ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अरिजीत के अवार्ड्स। अरिजीत सिंह को अपनी बेमिसाल सिंगिंग के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। साल 2014 में फिल्म आशिकी 2 का गाना क्योंकि तुम ही हो और साल 2016 में फिल्म रॉय का गाना सूरज डूबा है के लिए उन्हें फिल्म फेयर और बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म फेयर के अलावा उन्हें और भी अवार्ड से नवाजा गया है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।